हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा है गैस कटिंग सेट में जो दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, बैकफायर एंड फ्लैशबैक। तो दो तरह का प्रॉब्लम किस वजह से आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहें। अब बैकफायर क्या है इसको देखते हैं। बैकफायर कब अकर होता है? बैकफायर अकर व्हेन द फ्लेम बर्न्स बैक इनटू द ब्लो पाइप। बैकफायर अकर तब होता है जो फ्लेम जो होता है ब्लो पाइप में बैक होके वो क्या करता है, जलता है। फ्लेम बर्न्स बैक इनटू द ब्लो पाइप, तो ब्लो पाइप में वापस आता है और उसके अंदर जलता है। इट हैपेंस व्हेन द ब्लो पाइप इज हेल्ड टू क्लोज। तो अब जलने के पीछे रीजन क्या है? या तो जिस पे काम कर रहे हैं उसको कटिंग हम काफी नजदीक से कर रहे हैं, उसको नोजल को टच कर दे रहे हैं, या दूसरा कारण हो सकता है इफ द नोजल इज ब्लॉक्ड, या नोजल ही ब्लॉक्ड है, तो इस कारण से यहाँ पे बैकफायर होता है। समटाइम्स क्या होता है, फ्लेम बर्न थैंक यू द ब्लो पाइप, ये ब्लो पाइप में बर्न हो जाता है एंड ब्लो पाइप में बैक होता है, जलता है एंड बर्निंग कंटिन्यूड एट द मिक्सिंग पॉइंट। और ये जो मिक्सिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, जहाँ पे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों मिक्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जलने लगता है। ठीक है, तो बैकफायर डू नॉट यूजुअली सीरियस इंजरी और डैमेज। अब क्या है, बैकफायर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये क्या सीरियस इंजरी और डैमेज को यहाँ पे इसके कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दे इंडिकेट ए फॉल्ट इन द इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में एक फॉल्ट को इंडिकेट करता है और कटिंग करने के टाइम में काफी प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए बैकफायर ना हो तो उसके लिए दो चीज करनी है, या तो जो वर्कपीस जिसको काटा जा रहा है उससे ज्यादा है जो नोजल को टच ना करें, या नोजल में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैशबैक क्या है। फ्लैशबैक्स आर कॉमनली कॉज बाय रिवर्स फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इनटू द फ्यूल होज और फ्यूल इनटू द ऑक्सीजन होज। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या होता है फ्लैशबैक में, कि रिवर्स फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का रिवर्स फ्लो या तो फ्यूल गैस होज में हो जाता है या फ्यूल जो होता है ऑक्सीजन होज में हो जाता है, और जिसके कारण प्रोड्यूसिंग एन एक्सप्लोसिव मिक्सर इन द होज। और होज में है क्योंकि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सर एक एक्सप्लोसिव मिक्सर बनाता है, तो जिसके कारण होज के अंदर एक्सप्लोसिव मिक्सर जनरेट होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। फ्लैशबैक कॉमनली कॉज बाय रिवर्स फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इनटू फ्यूल गैस होज एंड फ्यूल इनटू ऑक्सीजन होज। इसका रिवर्स फ्लो जो होता है ऑक्सीजन का फ्यूल में हो जाना या फ्यूल पाइप का ऑक्सीजन में चले जाना, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे उसके कारण क्या होता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर जनरेट होता है होज में, पहला रीजन। नेक्स्ट देखेंगे द फ्लेम कैन देन बर्न बैक थ्रू द ब्लो पाइप इन टू द होज एंड मे इवन रिच द प्रेशर रेगुलेटर एंड देन सिलेंडर। तो जिसके कारण क्या होता है, ब्लो पाइप में क्या होता है, यह जो प्रेशर रेगुलेटर तक पहुंच जाता है और उसके बाद सिलेंडर में भी पहुंच जाता है। ठीक है, द कंसिक्वेंसेज ऑफ फ्लैशबैक आर पोटेंशियली वेरी सीरियस। और ये क्या होता है, काफी ही सीरियस होता है। दे कैन रिजल्ट इन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट, यह इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकता है एंड कुड इवन कॉज द सिलेंडर एक्सप्लोड, और सिलेंडर को भी एक्सप्लोड कर सकता है। दिस कुड इन द सीरियस इंजरी टू पर्सनल एंड सीवियर डैमेज टू प्रॉपर्टी। अगर इस केस में अगर एक्सप्लोड हो जाता है तो इसके कारण सीवियर डैमेज है जो प्रॉपर्टी का भी होगा, और जो आदमी है वहाँ पे नियर बाई और जो काम कर रहे हैं उसके साथ काफ़ी खतरनाक चीज़ें हो सकती है। तो मेरे ख्याल से फ्लैशबैक और समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम गैस कटिंग सेट में दो तरह का यहाँ पे है जो चीज़ें लगाते हैं, एक तो है नॉन रिटर्न वाल्व और दूसरा है फ्लैशबैक एरिस्टर। तो नॉन रिटर्न वाल्व का क्या फंक्शन होता है और फ्लैशबैक एरिस्टर का क्या फंक्शन है, इसको हम जानने के पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और प्रेस आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तभी देखते हैं नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है। नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है कि जो गैस ब्लो पाइप से जो जाता है वो ओनली वन डायरेक्शन में जाता है, वो वापस नहीं आ सकता।
ठीक है, ए नॉन रिटर्न वाल्व अलाउ गैस फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एंड इट इंश्योर टू गैस फ्लो थ्रू ए पाइप इन राइट डायरेक्शन। और ये क्या इंश्योर करता है कि ये राइट डायरेक्शन में ही जाए, मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता, रिवर्स फ्लो इसमें नहीं हो सकता, ओनली वन डायरेक्शन में जाएगा बट वापस वो नहीं आ सकता उस पाइप में। तो इस तरह का जो इक्विपमेंट है इसे हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। दूसरा है फ्लैश बैक अरेस्टर। फ्लैश बैक अरेस्टर का क्या काम होता है इसमें देखते हैं। ये फ्लैश बैक अरेस्टर इज ए गैस सेफ्टी डिवाइस, ये भी क्या करता है गैस के फ्लो को रोकता है और डेट स्टॉप द फ्लेम एंड रिवर्स फ्लो। तो ये क्या करता है फ्लेम नहीं होने देता अंदर और रिवर्स फ्लो ऑफ गैस बैक इन टू द इक्विपमेंट ये नहीं करता, यानी गैस का रिवर्स फ्लो नहीं होता है, गैस बैक नहीं होता है इक्विपमेंट में और या सप्लाई लाइन में। इट प्रोटेक्ट्स द यूजर एंड इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज एंड एक्सप्लोजन, और जिसके कारण क्या करता है इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है और एक्सप्लोजन की प्रक्रिया से बचाता है। बट कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाता है और लोगों को काफ़ी क्षति होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर उस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से अपने आप को निकालना है और सिलेंडर में अगर आग पकड़ ली है तो सिलेंडर को मैक्सिमम जितना हो सकता है ठंडा करें, वहाँ से दूर रहें, उसके नज़दीक नहीं हो, क्योंकि आपने अभी कभी कभी इस केस में आपने इस तरह का केसेस देखा भी होगा कि ये लगाने के बाद भी कभी कभी ये इशू हो सकती है। तो आप देखेंगे कि फ्लैश बैक अरेस्टर जो है और नॉन रिटर्न वाल्व है जो आपको इंश्योर करना है कि आपके साइड पे लगे हों ताकि इस तरफ का प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।